हेलो नमस्कार, मैं नील सकरवा। कक्षा 12 के सिलेबस में डे 95 में और पिछला जो चैप्टर चल रहा था वो हम पूरा कर चुके थे, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में इसको EMI भी बोल देते हैं, EMI चैप्टर। अब देखो ये जो चैप्टर है उसमें पीछे से जुड़ी हुई सारी बातें हमारे काम आएंगी। दो बातें हमने कर ली हैं, अब उन दोनों को हम मिक्स करेंगे थोड़ा। पहली बात हमने की थी कि आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूसरी बात की थी गतिशील आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी जब आवेश गति करते हैं, चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किए थे, डेराइव किए थे क्या क्या स्थितियां हो सकती है, कैसी स्ट्रक्चर हो वायर की, कंडक्टर कैसा हो तो उसे रिजल्ट कैसे मिलेंगे, उनके फॉर्मूला। जैसे हमने बायो सावर्ट के नियम में सीधी तार के कारण, एम्पीयर के नियम में हमने उसके वृत्ताकार कुंडल के कारण याद किया था, टॉरॉइड के कारण, सोलेनोइड के कारण, ये सब चीजें हम उसमें सॉल्व कर चुके हैं। अब हम एक बात क्या करेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब हम इसके अंदर मुख्य बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे मुख्य जो कंसेप्ट है इसका वो जरूर आप ध्यान रखें, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसको पूरे चैप्टर में, फिर वही बात हम रिपीट करते रहेंगे, 10 बार करेंगे कम से कम। अगर शुरू में आप उस बात को पकड़ लोगे तो फिर पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही इजी पार्ट है इस बुक का। देखो जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात हमने कर ली। अब हम बात करें कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी भी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स हम आगे डेफिनेशन द्वारा लिखेंगे, वैसे हम विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं, वही चुंबकीय फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, कोई भी बल पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से जाएगा वही फ्लक्स कहलाएगा। तो वही बात यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए रहेगी, जितना पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहां से क्रॉस करेगा उसी को क्या कह देंगे, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कह देंगे, फ्लक्स। तो यहाँ पर जब किसी कुंडली में, किसी कॉइल में अगर वहां चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र उसको फ्लक्स कह देंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के कारण वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का वर्ड इसलिए करते हैं, विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्टेज है, EMF, और प्रेरित वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है वहां। डायरेक्ट यहाँ कोई अपने पास करंट सप्लाई का ऑप्शन नहीं है, उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की प्रेरणा से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा तो करंट भी प्रवाहित होगा, बीच डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू I, VI के समान बात है। तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी कॉइल कंडक्टर। कोई भी कॉइल कंडक्टर हम बात कर रहे हैं उस पे फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, और या उसको विद्युत धारा, हम भी कोई भी दोनों में से एक वर्ड यूज कर लेंगे या दोनों ही बात कर लेते हैं, हर जगह लिख देते हैं किताबों में विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा, तो वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो ही उसी से करंट प्रोड्यूस होगा। तो सामान्य इसका रिजल्ट क्या है पूरे चैप्टर का, रिजल्ट इसका ये है कि जब किसी भी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कौन से फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में, तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। किसके कारण, बी के कारण क्या उत्पन्न होना, आई उत्पन्न। बी में क्या क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बी का वो पार्ट जो चेंज हो रहा है उसको हम फाई कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उससे क्या उत्पन्न हो रहा है, करंट उत्पन्न हो रहा है। EMF से ई से यूज करेंगे, वोल्टेज को ना ई से लिखेंगे EMF को, तो उसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पूरे चैप्टर में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है।
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये बात आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसकी जो रिसर्च है, सबसे पहले माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, इन दोनों ने इसके लिए कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों में इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा कि क्या घटनाएं हो रही है और उससे इन्होंने रिजल्ट्स निकाले। और रिजल्ट्स क्या निकाला, वही जो डेफिनेशन है, इसके रिजल्ट फिर अब वही बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो डाल लेते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे इसमें फैराडे और हेनरी, ठीक है। माइकल फैराडे इंग्लैंड के थे और जोसेफ हेनरी जो वो अमेरिका के। नेक्स्ट बात करते हैं बाद में, हेनरी तथा फैराडे के प्रयोग, फैराडे एंड हेनरी फैराडे के प्रयोग। प्रयोग में देखो क्या किया गया। सबसे पहला प्रयोग सामान्य जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, आप इसको समझ ले ध्यान से और इनको ध्यान रखें तो आगे की जो टॉपिक है उनमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बातें बार बार में रिपीट करने वाले हैं। तो यहाँ क्या किया गया, एक कॉइल ली गई, कुंडली ली गई और उसके साथ क्या जोड़ दिया, धारामापी जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि धारामापी क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की उपस्थिति और करंट की दिशा दोनों बातें बताता है। उपस्थिति होगी तो उसके अंदर जो नीडल लगी है इलेक्ट्रॉनिक मीटर में वो देखी होगी सभी ने, बीच में होती है वो नीडल और जीरो में रहती है, बीच में जीरो होता है, इधर भी 0 to 30 points होते हैं, इधर भी 0 to 30 points होते हैं। तो अगर करंट इधर से इधर आ रहा प्लस टू माइनस इधर है तो सुई इधर मूव कर देगी, और अगर प्लस इधर है माइनस इधर है, प्लस टू माइनस ऐसे कन्वर्ट ऐसे फ्लो है करंट, तो सुई इधर रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ इसलिए जी लगा दिया, अभी अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर की सुई हिलेगी और हिलते हमें पता चल जाएगा अभी करंट प्रोड्यूस हो गया। अब इसमें क्या किया गया, कुछ प्रयोग किए गए इसके अंदर, उसमें जैसे पहला ये किया इन्होंने, चुंबक छड़ चुंबक लिया, चुंबक और एक कॉइल लिया, कॉइल के साथ क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसे मूव करवाते हुए ले क्या है, गति करवाते हुए इसके पास ले क्या है, तो जैसे जैसे गति करवाते हुए इसके पास ले क्या है तो देखा कि धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो गया, सुई डिफ्लेक्ट हो गई और मूव करने लग गई। डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, अभी डायरेक्शन की बात नहीं करना है, डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन जैसे वो भी हम याद करेंगे, उसकी बात में करेंगे। जब चुंबक को पास लाया गया, अभी क्या देखा गया, जब चुंबक को पास लाया गया तो इसमें धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब क्या किया गया, चुंबक को पास लाके स्थिर कर दिया, स्थिर कर दिया तो ये देखा गया कि धारामापी में जो सुई है वो वापस कहां आ गई, जीरो पे आ गई। अब ये दोनों बात ध्यान से समझ लेना है, क्या है, जब हम इसे गति करवा रहे हैं तो इसे नॉर्थ से क्या होती है, फील्ड लाइन्स निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो उसका प्रभाव इस पे जाता है। जब हम इसको गति करवाते हुए पास लाते हैं तो इससे गुजरने वाले, इस कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर वृद्धि होती है और परिवर्तन होना जरूरी है। ये वर्ड आप जरूर दिमाग में बिठा लेना है, एक वर्ड क्या, परिवर्तन, चेंज, चेंज होना जरूरी है। चेंज किसमें, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। जब चेंज रुक जाएगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा।
चेंज होगा कभी हो। तो इसमें क्या किया गया कि मैग्नेट को इधर पास लाया गया, तो जैसे जैसे जब तक ये गति कर रही है तब तक इसके पार्ट में चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही यहां लाके स्थिर कर दिया तो अब जितना फ्लक्स जा रहा था उतना ही जाएगा, इसमें से अब इसमें परिवर्तन होना बंद हो गया। तो यार क्या देख गया कि सुई वहां में जीरो पे आ गई है, करंट प्रवाहित होना यानी उत्पन्न होना बंद हो गया। इसका मतलब कि जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होगी, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फिर वो प्रोसेस लिया गया, फिर वो मैग्नेट लिया गया और अब क्या किया गया, इसको दूर ले जाया गया, डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने। ये क्या बता रहा है, इसको पास ला रहा है, ये क्या बता रहा है, इसको दूर ले जा रहा है। तो जब इसको दूर लेके जाया गया तब भी क्या देख गया, तब भी इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, यानी तब भी जो सुई है वो इसकी मूव करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय भी इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे दूर ले जा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब यहां थी मैग्नेट तब इसमें से चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, ज्यादा दूर जाएगी तो वैसे वैसे इससे चुंबकीय फ्लक्स में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, कम हो रहा है लेकिन परिवर्तन हो रहा है। तो उस समय क्या होगा, निडल में निडल जो है वो मूव करेगी। लेकिन इस बार पहले की कंपेरिजन में डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, वैसे डायरेक्शन की बात हम बात करेंगे। अब क्या किया गया, कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स इसमें किए गए। नंबर तीन लेते हैं हमें, अब इसमें इस तरह से किया गया कि दो कॉइल दिए गए, एक में तो क्या लगा दिया गैल्वेनोमीटर और एक में लगा दिया बैटरी, जिसमें बैटरी लगा दी उसको कह दिया प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और जिसमें गैल्वो लगा दिया उसको कह दिया सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में क्या किया गया, करंट प्रवाहित किया गया, और द्वितीय कुंडली में क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन देखी गई इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसमें करंट प्रवाहित किया गया और इसको मूव करवाया गया। अब क्या होगा, क्या होगा, धारा मापी में विक्षेप आएगा या नहीं आएगा, धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, उसके लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेट से आए, ये तो हम पहले पढ़े चुके हैं पिछले चैप्टर में, दो चैप्टर में, कि जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो भी चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही गया तो उसका प्रभाव तो उसके चारों ओर कहीं ना कहीं जाएगा। तो अब ये करंट क्या करता है, ये तो करंट इसमें प्रवाहित हो रहे हैं, ये तो इसके चारों क्या उत्पन्न कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कहां, यहां पर भी जाता है, यहां पर भी जाता है। अब वो फील्ड क्या है, वो स्टेबल नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इस वर्ड को जरूर आप ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये चेंज। तो इस एक वर्ड से सोल्व हो जाएगा ये चैप्टर पूरा, सारी कैलकुलेशन भी, कैलकुलेशन में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में से दे देते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, और फिर ये में पूछ लेते हैं और अपना फॉर्मूला चिपका के और उसको सोल्व करके आ जाते हैं, तब ये वहां पर देखेंगे हम फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो वहां पर क्या होगा, ईएमएफ जीरो होगा, इसलिए वहां सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, तो बहुत काम आएगी ये बात। तो प्राइमरी कॉइल क्या है, जिसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव द्वितीय कुंडली पे जाएगा, तो द्वितीय कुंडली के गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा जब तक इसको मूव करवाते रहेंगे, क्योंकि मूव करवाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, नजदीक आएगा तो बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स और दूर लेके जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, दोनों स्थितियों में चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में और उत्पन्न होगा।
अब दूसरी बात, फिर वही बात कर ले, मैं इसको एक जगह रोक दे तो क्या होगा, तो इसमें करंट प्रवाहित उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट स्थिति इसमें क्या किया गया, एक और देखा गया कि एक लकड़ी की रोड ले ली और इसमें लगा दिया गैलन, इसमें लगा दी बैटरी, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। अब क्या होगा, अब वो करंट प्रवाहित करें इसमें और हमें इसमें ऑब्जर्वेशन देखना है। एक ही लकड़ी है, एक ही लकड़ी के ऊपर ऐसे इसको लपेट दिया, इसको कॉइल को, और उसके साथ गैलो जोड़ दिया, और दूसरी लकड़ी है वो सॉरी उसी लकड़ी पे आगे की तरफ फिर कॉइल लपेट दी और उसके साथ बैटरी जोड़ दी। भी यहां तो स्वतंत्र थी, अलग अलग ले जा सकते हैं। अब अगर इसको मूव करवाएंगे तो लकड़ी पूरी मूव होगी, तोड़नी नहीं है, पूरी मूव होगी, तो क्या होगा, ये भी साथ जाएगी, ये भी साथ जाएगी, दोनों क्या होगी, तो डिस्टेंस तो बीच की चेंज होगी नहीं, चेंज होगी नहीं, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन यहां होगा, क्यों होगा, उसमें एक स्थिति है, एक स्थिति कि हम क्या बात कर रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स एट ए कॉइल, तो वो चेंज एक बार तो चेंज होगा, जैसे ही इसके अंदर देखो एक कंडीशन रहेगी, जैसे की लगाते हैं कुंजी, जैसे ही बटन ऑन करते हैं, बटन ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होने में टाइम लगेगा, माइक्रो सेकंड लगे चाहे टाइम उसके अंदर लगेगा, जब तक करंट फ्लो नहीं हुआ है तब तक इसके अंदर करंट की वैल्यू जीरो है, तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो उसकी वैल्यू भी जीरो है, यानी इन इनिशियल केस यहां पर भी क्या है, जीरो है। जैसे ही बटन ऑन किया हमने, की ऑन की लगा दी उसके अंदर सर्किट में, वैसे ही क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो होते ही क्या उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फिर यहां भी गया, यहां भी है, तो पहले बी की वैल्यू क्या थी, यहां जीरो थी, बाद में क्या हुई, बी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, एक साथ ही मैक्सिमम हो गई यहां, कि जैसे हमने ऑन किया तो करंट कॉन्स्टेंट करंट प्रोवाइड हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अनुसार जितनी बीच की डिस्टेंस है उसके अनुसार यहां पर उतना फ्लक्स चला जाएगा। अब उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि इनके बीच की अपेक्षित डिस्टेंस जो है रिलेटिव डिस्टेंस वो चेंज नहीं होगी, भाई या तो दोनों बीच की दूरी बढ़े या कम हो। अब इसमें तो कोई पोजीशन ही नहीं है कि बढ़ सकती है कम हो सकती है, अगर आप इसे लेके जाएंगे तो भी दोनों के बीच की डिस्टेंस उतनी, यहां से उठा के इसको यहां रख देंगे तो भी तो बाद में दोनों साथ ही आ रही है, इसलिए बीच के डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट इन इनिशियल केस इन इनिशियल कंडीशन फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम होगा, उसमें चाहे टाइम कितना भी मिनिमम लगे लेकिन एक बार कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, और जितने टाइम में फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम अचीव करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम के लिए फॉर अ मोमेंट इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, और निकल क्या होगा, इसमें वापिस ऐसे जाएगी और वापिस जीरो पे आ जाएगी, इसको कहते हैं क्षणिक विक्षेप, रिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट। रिफ्लेक्शन फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए इसमें क्या उत्पन्न होगा, रिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा और एक क्षण के लिए इसमें करंट प्रवाहित होगा, उसके तुरंत साथ ही उसी समय इसमें की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू वापिस जीरो हो जाएगी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहां चेंज परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, ध्यान से देखना, जैसी भी सिचुएशन देखी जाए वैसी सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग देखना। तो सभी केसेस में क्या हो रहा है, अब नॉर्थ साउथ का फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्थ साउथ से क्या होंगे करंट के डायरेक्शन का पता चलेगा हमें कैसी है, लेकिन ये नियम भी इधर नॉर्थ है तो ही करंट प्रोड्यूस होगा, साउथ है तो भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आई है, फ्लक्स तो आई है उसके अंदर, फ्लक्स का हमें देखना है। तो इसका रिजल्ट एक लाइन में लिख देता हूं मैं, जो उसकी डेफिनेशन भी आ गई शुरू में, दो बात बोल के भी बताई थी,
लिख दे क्या हमारे, वो आपको ध्यान रखनी है क्या है विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन सभी प्रयोगों का एक ही निष्कर्ष था भाई, इसका निष्कर्ष क्या था, जब तक चुंबक गति करेगी तब तक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा और तब तक विद्युत दबाव का उत्पन्न होगा, इसके बाद में जब स्टेबल हो जाएगी डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी तब नहीं होगा। इसमें भी वो ये जब दूर ले जाएंगे तो जब तक गति कर रही है चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कुंडली के, तब तक विद्युत दबाव की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत दबाव की उत्पत्ति होती है। जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ शॉर्ट में लिख सकते हैं आप इसे, या क्या कह सकते हैं विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। राइटिंग देखना भी आप साथ में सुन लिया करें, एक दो लोगों की कंप्लेन ऐसे है कि राइटिंग समझ में नहीं आती तो ये राइटिंग जो 10वीं तक ही सुधरती है उसके बाद में सुधरती है ऐसी रहेगी, इसलिए आप इसको थोड़ा जब बोल दें तो समझ लिया करें, थोड़ा टाइम सेविंग के लिए थोड़ा स्पीड से भी लिखते हैं, इसलिए फोन भी ले साथ में और कोशिश ये करें सुन भी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज ये बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस रहता है, लेंथी कुछ कहे कुछ के ऐसे भी मैसेज आए वैसे भी बस पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादातर पार्ट जो कंप्लीट हो जाए, बाय चांस आगे का भविष्य है किसी ने नहीं देखा है तो कोई ऐसे भी मान लो कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाए कि नहीं भी हो पाए तो आप जितना हो उतना करें और बाकी जो है वो साथ साथ अपने आप किसी भी मीडियम से किसी माध्यम से आपको अगर कुछ अवेलेबल होता है तो उसको भी आप साथ साथ पढ़ते रहें, हमें नॉलेज लेना है जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लो अकॉर्डिंग टू थ्री डेट्स, जहाँ आप देखे वहीं बैठ जाओ, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है भैया यहीं पढ़ो, सब लोग पढ़ा रहे हैं कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई एक चैप्टर मान लो कहीं कहीं दूसरी जगह एक हमारे साथी राधा कृष्ण शर्मा जी आप उनको फॉलो कर लें उनको देख लें, आजकल ऑप्टिक्स चल रही है उनके पास तो ऑप्टिक्स आप वहाँ पढ़ लें, कोशिश ये करेंगे यहाँ भी कम्प्लीट करवाते हैं, जो मान लो लैंग्वेज की दिक्कत रहती है कुछ बच्चे जुड़ जाते हैं भाई लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है तो फिर दूसरे टीचर की लैंग्वेज को पकड़ने में टाइम लगता है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ भी करते रहें, कोशिश ये करेंगे भी कम्प्लीट हो जाए, लेकिन हो सकता है भी रह ही जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस की एक अलग बात होती है, डेढ़ दो दो घंटे भी चलती है, संडे को तीन तीन घंटे भी बुला के बैठा लेते हैं स्कूल में बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी लंबी लंबी क्लासेस रिकॉर्ड करना फिर उनको अपलोड करना कन्वर्ट करना, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसीलिए कोशिश करें यदि आप जहाँ से भी व्यवस्था बैठते हैं उसके अनुसार पढ़ते हैं, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें और समझ लें, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में डाल दिया करें, जैसे कोशिश ये करें भी आज ही क्लास को आज ही कमेंट बॉक्स में लिख दें तो कल तो इसका डिस्कशन कर लेंगे, जब अगला चैप्टर चलेगा तब आप इसका डिस्कशन नहीं कर सकेंगे तब ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उसी दिन देखें क्लास और उसी दिन की प्रॉब्लम उसी दिन पर डाल दें ताकि अगले दिन हम उसको यहाँ डिस्कस कर लें, साथ में पिछले टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे तब बात कर लेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेंगे, उसको समझ लें, इसके अंदर थ्योरी कोई अपने को नहीं ध्यान रखनी है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर का नाम है वो ही है और वो उसका मीनिंग क्या है पूरे चैप्टर में, क्योंकि बार बार यही बात चलेगी कि हर जगह आपको क्या देखना है, हर जगह ये देखना है चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ये में प्रोड्यूस होगा और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ये बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलिए के लिए थोड़े नोट्स बना लें अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख लें इसे।